महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज दोपहर में चूहापुल दीवारों डंपिंग ग्राउंड के पास एक 50 से 55 साल के व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि इस व्यक्ति की मौत करीब 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शव काफ़ी ख़राब हो चुका था, यानी फूल चुका था, इसलिए इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। न ही इस व्यक्ति के पास से कोई आईडी प्रूफ मिली कि जिसकी वजह से इसकी पहचान की जा सके। किसी राहगीर ने इसे देखा और इसके बाद मुंब्रा पुलिस स्टेशन को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी करीब 2 से 3 दिन की है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है। ये व्यक्ति कहां का रहने वाला है, ना ही इस बात का पता चल सका कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। क्या इसका किसी ने हत्या करके यहां फेंका है, या इसकी मौत की और वजह हो सकती है, ये तो जांच में ही पता चलेगा कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसकी जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच एपीआई क्षीरसागर कर रहे हैं। अब जांच में ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है या फिर मौत का कोई और कारण है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।